हाय दोस्तों अब आर यू यू आर ऑल वेल एंड फीलिंग सुपर फैंटास्टिक लाइक प्रीवियसली आई हैव कम अगेन योर सर्विस विद लैटिन ओरिएंटेड वर्ड्स तो हम आज लैटिन वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे तो यहां देखते हैं द वेरी फर्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइस्ट अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच इट इज़ नाउन अल्ट्रुइस्ट someone who हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन being जो मानवता तो की मदद करता है जो लोगों को दूसरों की सहायता करता है और पर्सन हु मेक्स ए गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो दूसरों को गिफ्ट देता है सहायता करता है उनकी हेल्प करता है तो अल्ट्रुइस्ट कहलाता है अल्ट्रुइस्ट मीन अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी होता है जो दूसरों को दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है मदद करता है तो हम उसे अल्ट्रिस्ट कर, करते हैं तो इसका सायोनीमस वर्ड देख लीजिए यहाँ पे फिलान थ्रापिस्ट बेस्टोवर डॉन डोनर गिवर और प्रिजेंटर तो ये सब इसके साइनीमस वर्ड हैं और हम देखते हैं तो ये सब इसके सामस वर्ड है और हम देखते हैं कि ये देखिए ये जो अल्ट्रोस्ट है तो हम अल्ट्रिस्ट कैसे बनाया कहाँ से है कैसे क्या है तो इसका देखिए लैटिन फार्म लैटिन फार्म जो है लैटिन में अल्टर मीन ma, क्या होता है तो लैटिन में अल्ट्र अदर होता है और दूसरी मीनिंग इसकी होती है चेंजमन परिवर्तित करना तो ये सब ये देखिए ये तीन वर्ड यहाँ पे लिखे हैं ये भी इसी रूट से आए हुए हैं तो यहाँ पे जो थ्री वर्ड थ्री थ्री वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए अल्ट्रीगो अल्ट्रेसन और अल्ट्रकशन दिज आल्सो केम फ्रॉम सेम रूट, ये अल्टर ही से बने हुए हैं तो चलिए देख लेते हैं इनकी मान इनकी मीनिंग क्या होती है तो अल्टर ईगो अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच इट इज नाउन ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा तो इसकी मीनिंग होती है ए वेरी क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स हु सीम्स आलमोस्ट ए पार्ट ऑफ योर सेल्फ जो आपका बहुत ही करीब दोस्त होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है जो आप करते हैं वो आपको काफ़ी करता है तो उसे अल्टर ईगो कहते हैं एंड अदर वर्जन ऑफ वन सेल्फ मतलब हु बहू आपकी तरह जो इमुलेट करता है आपकी कापी करता है तो हम उनसे कह सकते हैं एंड अल्टर ईगो मतलब एक दूसरा की तरह तो हु बहू लैटिन अल्टर अल्टिगो लेटिन में अल्टिगो माने क्या होते हैं तो लैटिन में ईगो मीनस होता है अदर सेल्फ़ अल्टर माने देखिए यहाँ देख लीजिए अल्टर मीन होता है अदर और ईगो माने आई आई सेल्फ तो यहाँ ई यह, यहाँ से ड्राई हुआ है अल्ट्रीगो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम्पल ये है यू आर ए सिकंड ब्रदर टू मी तो मेरे लिए एक भाई के जैसे हो एन अल्टर इगो टू होम आई कैन टेल एवरी तुम ऐसे हो कि जिसे मैं अपनी सारी बातें सब कुछ बता देता हूँ तो इसका ये होगा एग्ज़ाम्पल मैं यूज एन अल, अल्टर ईगो का और दूसरा जो है अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन ये भी देखिए अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच ये भी नाउन है इसकी मीनिंग होती है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग डिफरेंट चेंज और मोडिफिकेशन तो इसका इसकी मीनिंग होती है फेर बदल परिवर्तन तो इसका एग्जांपल देख लीजिए यू आर ब्यूटीफुल विद शॉर्ट हेयर विदाउट एनी अल्ट्रेशन मतलब किसी परिवर्तन किए बगैर या किसी परिवर्तन के तुम खूबसूरत लगते हो शार्ट हेयर में ही कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं हेयर इज नो नीड टू चेंज समथिंग और तीसरा वर्ड ये देखिए अल्टरकेशन ये भी नाउन है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच अल्टरकेशन इसकी मीनिंग होती है ए नॉइज इक्वरल तो अक्सर लोग फाइट करते हैं तो जो जो लड़ाई झगड़ा होती है तो उसमें लड़ होता ही है तो उसके लिए आता है अल्टरकेशन तो ए नॉइज इक्वरल एक झगड़ा झगड़ा कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में और इसका देखिए अल्ट्रुस्ट जो हमने पीछे पढ़ा था उसका ये साइनिमस वर्ड है फिलान तो इसके मीनिंग होती है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है इसकी मीनिंग होती है इसकी मीनिंग भी परोपकारी होती है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अल्ट्रोइस्ट वन हु गिव्स बेनिफिट्स टू अदर जो दूसरों को हमेशा सहायता करता है दूसरों की जो हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट हु ऑलवेज थिंक्स ट्रू द पीपल गुड डू नाट हार्म पीपल पीपल एंड जो हमेशा दूसरों की मदद करता है सहायता करता है तो इसका रूट वर्ड देख लीजिए इसका रूट वर्ड यहाँ पे देखिए ग्रीक में क्या होता है इसकी मीनिंग तो फीलो माने यहाँ पे हो जाता है लव और एंथ्रोपोज माने होता है मैन और मैनकाइंड मैन आदमी और मैनकाइंड मैंने माना होता है डिस्क्राइब्स ए पर्सन हु डज ए पर्टिकुलर एक्शन तो ये इस्ट सफिक्स नाउन है जैसे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे देखिए लगा हुआ है इष्ट तो ये ऐसे मिल के बना हुआ है लव मैन काइंड जो पर्सन की कोई एक्टिविटी करता है तो उसके लिए आता है तो मतलब जो मानवता से प्रेम करे वन हु हुज थिंक टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स जो लोगों को लोगों की सहायता करे लोगों का बुरा भलाना सोचे उसी को हम उसी को फिलोथ्रापिस्ट कहते हैं अल्ट्रिस्ट कहते हैं परोपकारी से तो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोच तो गाइज दिस वेयर द वर्ड एंड तो कहाँ से आए कैसे आए इसका रूट था आपने देखा होप यू इन्जॉय इट एंड कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग तो थैंक यू फॉर गिविंग योर तो क्रोशियल टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और चैनल थैंक यू बाय तो बाय